केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इस कार्ड के जरिए केंद्र सरकार द्वारा 50,000 से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के खपरी कला गाँव में पिछले 4 वर्षों से हेल्थ और वेलनेस सेंटर संचालित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाली ग्रामीण महिला संतोषी साहू ने बताया कि पहले उन्हें इलाज करवाने के लिए लोरमी और मुंगेली जाना पड़ता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड बन जाने से अब उन्हें हेल्थ सेंटर में ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। अच्छा से अच्छा इलाज होते आयुष्मान भारत से हमला बहुत लाभ मिले हैं। एक से जच्चा बच्चा मतलब बहुत अच्छा से देख रेख करे पर सुविधा मिले हैं। टाइम टाइम में जाँच हो रही थी बढ़िया से। अब हर जैसे गांव के हितग्राही मतलब बहुत अच्छा से लाभ मिलते हैं। कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुआ। ये सब मतलब लोरमी जाम बहुत परेशानी हो रही थी। जिन हमारे गांव हो इसना तो हमला हर चीज़ की सुविधा मिल जाए। खपरी कला गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित अस्पताल के सहायक चिकित्सा अधिकारी संजय चंद्राकर ने बताया कि इस अस्पताल के माध्यम से पिछले 4 वर्षों के दौरान अनेक मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। आयुष्मान भारत जो योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले कोई छोटी छोटी चीज़ों की जाँच के लिए अपने को मुंगेली जाना पड़ता था। यहाँ से मुंगेली हो गया, लोरमी हो गया, अपना CSC यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। वैसे जिला अस्पताल भी 35 किलोमीटर दूर। तो अब वो सारी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो अभी आयुष्मान भारत के तहत हमारे खपरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिल जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित हेल्थ सेंटर में खपरी कला के अलावा आसपास के विभिन्न गाँव के लोग भी आकर मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। साथ ही यहाँ गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जाँच के अलावा उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी जाती हैं।